अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। आज बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक भाई ने व्हाट्सअप पे सवाल किया है कि बताएं, किसी शख्स ने कुर्बानी वाले महीने के अंदर अकीका किया, क्या उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी? अगर इस तरह कोई अकीका करता है मगर कुर्बानी नहीं करता तो उसका अकीका करना भी नाजायज होगा। अकीका करने से कुर्बानी वाजिब हो जाएगी या कि अकीका खुद दुरुस्त नहीं होगा? बहुत जबरदस्त सवाल है, आप तमाम अहबाब ने इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाना है। देखें, अकीका करना मुस्तहब अमल है। किसी शख्स के पास माल भी है, अगर वो अकीका नहीं करता तो वो शख्स गुनाहगार नहीं होगा। अकीका करना ये मुस्तहब फेल है, अच्छा अमल है। आप करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सवाब अता फरमाएगा। और कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो, आकिल बालिग मुसलमान हो और उसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना है, बेशक उसके पास पैसे नहीं ये माल मौजूद है, तो इस सूरत में उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। बाकी ये बात करना कि अकीका अगर कोई शख्स कर ले तो कुर्बानी भी वाजिब हो जाएगी, ये बात गलत है। अगर कोई शख्स अकीका करता है तो ये एक मुस्तहब अमल है, अच्छा काम है। और ये मसला बना देना कि नहीं जी अगर अकीका करता है तो कुर्बानी भी करे, अगर कुर्बानी ना की तो अकीका भी जायज नहीं होगा, तो ये सूरत नाजायज है, इस तरह का कहना बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम अहबाब ने इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि लोग इस बात को सुनें और मसाइल के हवाले से आगाह हो जाएं। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की बख्शिश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।